सब किछ तू है, तू है मेरे प्यारे, सब किछ तू है, तू है पाण
सब कुछ तेरे से रचाई जी, सब कुछ तू है, तू है
दान महिंडा चली काकद मिले तमस्त कुलाई पूरा लालच छटिए वो एक मन अलग दिया बलते वे हो पाए जे वे ही कार कमाए जे हो वे पूर्व लिखिया ता थूड़ चिना दी पाई मत थोड़ी से सामत देहो दयाल प्रभु जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभु ऋण पक सादा पाक संतन की देहो प्या दर्शन पे मन आगावे दर्शन पे मन आगावे दर्शन पे मन आगावे दर्शन पे मन आगावे नानक सब किछ तू है मेरे प्यारे सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाए जियो तेरी कुदरत को बल जाए बल जाए जियो तेरी कुदरत को बल जाए जियो तेरी कुदरत को बल जाए जियो वड्डा तेरा दरबार चल चोर छत बड़ा तेरा दरबार बड़ा तेरा दरबार सच्चा दुख तख्त सिर शाह बादशाह नेह चल
ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਰੀਆਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ ਹੈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ ਪੜੀਏ ਸਭ ਸੋ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਵੀਨਾ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੱਲ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਖਾੜਾ ਮਾਂਡੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਪੇਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਯਤਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ MHB TV ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਔਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਠਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ
कि लुधियाना शहर विच भी सिख संगतां जिथे पंजाब दे दूसरे शहरां विच बैठियां ने उत्थे भी अज दे इस महान समागम दा आनंद माण रहियां ने। सो मैं बड़े अदब नाल बेनती करांगा संगत विच बड़ी सत्कारत हस्ती मानजोग सिंह साहब ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी जसदर तक श्री केसगढ़ साहब श्री आनंदपुर साहब विराजमान ने। मैं बड़ा उन्होंने अदब नाल बेनती करांगा सत्कार नाल बेनती करांगा कुछ मिनटां लई आप जी नाल गुरमत विचारां दी सांझ करनगे। मानजोग सिंह साहब जी दा रुझेवा होण करके और उन्होंने इसे करके पहले समा दिता जा रहा है। आओ अदब नाल बेनती है मानजोग सिंह साहब तख्त साहब तो आए ने तख्त श्री केसगढ़ साहब सिख कौम का वो महान तख्त है जिथों सत कलगीधर पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छका के सानू गुरु चरण नाल जोड़िया और वह बड़ा कारज 1699 की वैसाखी वाले दिन होया जिस दिन समुची कौम नू एक लड़ी विच प्रो दिता मेरे साहिब कमाल कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने। मैं बेनती करांगा मानजोग सिंह साहब जी नू एक जयकारे नाल सत्कार देईए और तख्त श्री केसगढ़ साहब का सन्मान है सिंह साहब जी नू जयकारे नाल सत्कार देना। सो बुलंद आवाज में जयकारा होना चाहिए मानजोग सिंह साहब आप जी नाल प्रवचन दी रमता करनगे। बोले सो निहाल आओ जुड़िए गुरमत विचारा नाल मानजोग सिंह साहब ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी जदर तक श्री केसगढ़ साहब आप जी नाल गुरमत विचारा दी सांझ कर रहे ने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जागत जोत जाहरा जहूर हाजरा हजूर चवर छत्र तखत दे मालक दसां पातशाहियां दे आत्मक सरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच धन गुरु नानक पातशाह जी दे वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित संत बाबा गुरविंदर सिंह जी होना वालों करवाए जा रहे गुरमत समागम विच शामिल हुई समूह साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी तुसी वडभागे हाँ जिन्हां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच जुड़ बैठण का सुभाग अवसर प्राप्त होया और आप जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच जुड़ बैठ के गुरु के कीर्तनियां पासों बड़े प्यार नाल गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया। अखीरला शब्द भाई साहब भाई निरंजन सिंह जी पढ़ के गए ने वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर साहा पातशाह नेह चल चौर छत। उन्हां तो पहलां गुरु के रागी सिंघां ने आरती का कीर्तन किया। वो आरती जिहड़ी गुरु नानक पातशाह जी ने किसी समय जगन्नाथपुरी विच शब्द उचारण किया सी पहला गगन मैं थाल रव चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी। ए आरती दा कीर्तन करके समाप्ति कीती आरती दी कलगीधर पातशाह जी दे इन्हां बचना नाल चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभव शुभम सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बबूते कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु हमेशा साढ़े अंग संग है हमेशा साढ़े नाल है साथों वखरा नहीं। संत बाबा गुरविंदर सिंह जी दे प्यार दा सदका दाल पंथ विधि चंद जिन्हां ते मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज छेवें पातशाह जी दी बख्शिश जिन्हां नूं छेवें पातशाह जी ने यह बचन कीते सन विधि चंद शीना गुरु का सीना उन्हां दी अंश वंश विचों
बाबा दया सिंह जी दे सहयोग सपुत्र बाबा अवतार सिंह जी स्टेज ते सुशोभित ने, नाल ही पूरा दल लेके आए ने। बाबा जी कोले मैं बैठा सा, बचन सुना रहे सन कि बाबा गुरविंदर सिंह होना दे पिता जी जो सामने स्टेज ते सुशोभित ने, बाबा जी कोले सुर सिंह हाजिर होए अमृत छकण वास्ते। अमृत छकिया, कहन लगे बाबा जी ये बाणा मैनू अपने हथी सजाउणा करो, यह अंदरली हूक। बाबा जी ने आप, बाबा दया सिंह जी ने इन्हां नूं नियंग सिंह दा बाणा जिहड़ा सी अमृत छका के सजाउणा कीता। इसे तरह बाबा गुरविंदर सिंह जी जिन्हां ते बख्शिश है गुरु नानक पातशाह जी दी, बख्शिश है बाबा श्री चंद जी दी, उन्होंने भी इत्थे ही खंडे बाटे दा अमृत छकिया। और जिस दिन तो यह गुरमत समागम शुरू किए, गुरु की कृपा हुई, उस दिन तो हर साल इत्थे पंजां प्यारियां नूं बुला के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच खंडे बाटे का अमृत तैयार करवा के अमृत अबलाखियां नूं अमृत छकाउण की सेवा करते हैं। ये समागम करवाने कोई सौखे नहीं, जिदे ते गुरु की बख्शिश होवे, गुरु की कृपा होवे, उही ये वड्डे कार्ज कर सकदा है। इन्हां दे प्रेम प्यार दा सदका सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी जथेदार तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब पहुंचे हुए ने। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी ने भी आप जी दे इत्थे आके संगतां दे नाल विचार सांझे करने ने, संगतां दे दर्शन करने ने। बाबा श्री चंद जी जदों बाबा श्री चंद जी कोले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गए, मिलाप होया, पुछया बाबा श्री चंद जी ने सतगुरु जी किन्ने सपुत्र ने, कहन लगे जी पांच, ते सानू केड़ा देना है। नाल सी वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी जिन्हां नूं पहलों टिक्का गुरदित्ता जी कहिंदे सन, कहन लगे जी हुण ते इहो ही नाल है, इहो ही तुहानूं भेटा कीता। उस दिन तो टिक्का गुरदित्ता जी नूं बाबा गुरदित्ता जी कह के पुकारिया जाण लगा, जिन्हां ते गुरु पातशाह जी दी बख्शिश और बाबा गुरदित्ता जी ने सिखी दे प्रचार लई वड्डे चार केंद्र स्थापित कीते। उन्हां चार केंद्रां विचों इक केंद्र सी नानक मता, जिथे बाबा अलमस्त जी रहिंदे सन। बाबा अलमस्त जी ने जदों वेख्या कि सिद्ध गुरु नानक पातशाह जी दे अस्थान दी बेअदबी कर रहे ने, उस वेले उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के चरणों में अरदास की, खड़ो के जिथे भी खड़ो के अरदास करो ना, गुरु चरणों में एक मन एक चित होके सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी बचन करते ने बाणी विच, बहुता बोलन झखण होए विण बोले जाने सब सोए। उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक बाबा अलमस्त जी की अरदास उन्हां दे चरणों में पहुंची, श्री अमृतसर साहब तो सतगुरु जी सिखां नूं नाल लैके घोड़े ते सवार होके नानक मते पहुंचे। नानक मते जिस पिप्पल थले सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी बैठे सन, वह पिप्पल सिद्धां ने साड़ दिता सी, पर मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उस पिप्पल उत्ते केसर दे छिट्टे मारे, जिहड़ा कि हरा भरा हो गया। अज भी जाके उत्थे दर्शन करो, उस पिप्पल दे पत्तियां विच केसर दे निशान तुहानू नजर आउणगे। अज भी जदों दर्शन करो, बख्शिश गुरु पातशाह जी दी बाबा गुरविंदर सिंह जी हर साल ही चढ़दी कला विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच ये वड्डे समागम करवाउंदे ने। इन्हां समागमां विच
बहुत सारिया संगतां दूरों नेड़ों पहुंचदियां ने ते जेड़ा पहुंचदा है वह आके गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच नतमस्तक होके गुरु की गल सुनदा भी है ते गुरु के उपदेश नूं अपने हिरदे विच वसाउंदा भी है। उद्दम उपराला बाबा गुरविंदर सिंह जी का इहो जे महापुरखां बाबत ही गुरु पातशाह जी के बचन ने गुरु रामदास महाराज जी दे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवर नाम जपावै। अज समा है भाई बाणी नाल जुड़न दा ते बाणे नाल जुड़न दा। जेडे लोग बाणी नालों टुट गए ने गुरु पातशाह जी बचन करदे ने गुरु नानक महाराज जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जिस हिरदे विचों गुरु दी बाणी विसर जांदी है वह कोड़ दे रोगी आंगू विरलाप करदा है। आओ वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोई जी दे बराबर होर कोई है ही नहीं। ते गुरु के बचन ने बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। गुरु की बाणी नाल जुड़िए गुरु के बाणे नाल जुड़िए खंडे बाटे दा अमृत छक के त्यार पर त्यार होइए। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई निगुरे का है नाओ बुरा नुगुरे दा ता ना भी बुरा है। ते आओ गुरु वाले बनिए गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै। बाबा गुरविंदर सिंह जी हमेशा ये गल कहिंदे ने कि आओ भाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लड़ लगीए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पल्ला पकड़िए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा ओट आसरा लईए तां कि साडा लोक सुखी परलोक सुहेला होवे। इस मौके ते हरियाणा दे उगे अकाली श्रोमणी अकाली दल दे सिपाही सार भुपिंदर सिंह जी असंद सबका मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पूरे हरियाणे विच प्रचार दे जिम्मेवार हरियाणा सिख मिशन दे इंचार्ज सार कृपाल सिंह जी चौहान वो भी संगत विच शोभत ने मैनू उन्हां वालों हुक्म होया सी बाबा गुरविंदर सिंह हुणा वालों कि भाई आके तुसाने जरूर संगत दे दर्शन करने ने। मैं आप संगतां दे दर्शन कीते ने मैं धन्नवाद करदा सारियां दा ही नाल बेनती करांगा कि आओ भाई बाणी नाल जुड़िए बाणे नाल जुड़िए खंडे बाटे दा अमृत छक के त्यार पुर त्यार होइए। जिनका दिन मनाते हो उनका अर्शदात भी समझो जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। सकत्तर साहब सार भगवान सिंह जी जौड़ जिहड़े गुरमत दियां स्टेजां दे शिंगार ने और जिन्हां ते गुरु की बख्शिश बहुत सारियां पुस्तकां भी इन्हां ने लिखियां ने सिंह साहब जी ने भी लिखियां ने उन्हां दा सारियां दा ही धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उत्तम बड़े अदब नाल बेनती करांगा सत्कारयोग बाबा गुरविंदर सिंह जी होरां नूं मांडी वालियां नूं ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਹੋਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਜ਼ੇਵੇਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ। मैं बड़े अदब नाल बेनती करांगा संगत विच एक बड़ी सत्कारित हस्ती बैठी है सत्कारयोग बाबा कश्मीरा सिंह जी अलहोरे वाले थोड़े समय लई उन्होंने संगत नाल कीर्तन की सांझ करनी है। बड़े सत्कार नाल बाबा कश्मीरा सिंह जी अलहोरे वाले नूं बेनती करांगा उस संगत दे सन्मुख सजणगे
और आप जी नाल कीर्तन दी सांझ करनगे। आप जी नूं एक बेनती करा, तुसी इस महान गुरमत समागम विच बैठे हो, सत्कारयोग बाबा गुरविंदर सिंह जी होरां ने इस सलाना उद्यम है, इस बार भावें तुसी इसका सीधा प्रसारण अपने घरां विच बैठ के वेख रहे हो, पर एक मैं बेनती करा, सत्कारयोग बाबा गुरविंदर सिंह जी होरां ने गुर सेवा ते सुख पाई है, होर थे सुख ना पाल दे मिशन नूं लैंदिआं होइआं जिथे दल बाबा बिधि चंद दे सत्कारयोग जसदर बाबा दया सिंह जी होरां नाल उहनां दा प्यार है, उत्थे दमदमी टकसाल दे नाल श्रोमणी गुरदा पंथक कमेटी दे नाल सत्कारयोग बाबा सुच्चा सिंह जी जवद्दी वालों चलाई हुई उस महान लहर दे नाल अपने विरसे नाल जोड़न दे गुरमत संगीत लई भी उहनां दा स्नेह है। जदों पिछले दिनी बहुत सारियां शताब्दियां SGPC ने मनाईयां और विशेष करके पिछले दिनी एक शताब्दी सचखंड श्री हजूर साहब जी उस पावन धरती ते मनाई गई, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का 300 साला गुरता गद्दी दिवस और मेरे पातशाह कलगीधर पातशाह साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी का ज्योति जोत समाउण का 300 साला दिवस और उन्हां समागमां दौरान जिहड़े राग दरबार उत्थे करवाए गए और जिथे दूसरियां शताब्दियां दौरान सत्कारयोग बाबा गुरविंदर सिंह जी होरां ने अपना सहयोग दिता और विशेष करके सचखंड श्री हजूर साहब की धरती से जाके राग दरबार लई अपना जथा जोग हिस्सा पाया और सिख संगत नूं हमेशा ही अपने विरसे नाल जोड़न दा अमृत संचार करन दा और गुरु नानक दे उहनां परोपकारां नूं संगत विच लिजाण दा हमेशा ही उद्यम करदे ने। जिहड़े परोपकारी कार्ज ने खूनदान कैंप लाउणे, लोड़वंद बच्चियां दे दीआं शादियां करनियां, अजिहे उद्यम भावें उह पंजाब तों बाहर बैठे ने जिला कुरुक्षेत्र दी इस धरती ते मांडी पिंड विखे, पर इस उदासीन आश्रम वालों ब्रह्म अखाड़ा आश्रम वालों उहनां दा बहुत वड्डा योगदान है। भावें उह बाबा श्री चंद जी दे उपाशक ने पर गुरु नानक नाम लेवा संगतां उहनां दा सत्कार करदियां ने, इस दा सबूत तुसीं लखां दी गिणती विच जुड़ी होई संगत है। मैं बेनती कर रहा जिन्नी संगत पंडाल विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक होण लई खलोती है, इस तों वड्डी गिणती विच संगत गुरु के लंगर विच है। सतगुरु कृपा करन सत्कारयोग बाबा जी बाबा गुरविंदर सिंह जी इस सेवा दे मिशन नूं घर घर तक पहुंचाउण दा यतन करदे रहन और सिख संगतां नूं गुरु चरणां नाल जोड़दे रहन, इह साडी अरदास है गुरु चरणां विच। सत्कारयोग बाबा कश्मीरा सिंह जी अलहौरे वाले संगत दे सानूं सज गए ने, कीर्तन दी आरंभता हो रही है, आओ इक भरमे जयकारे नाल उहनां नूं सन्मान देईए, नाल ही कीर्तन आरंभ हो जाएगा। बाबा जी आप जी सानूं 30 मिनट तक रहणगे, 30 मिनट तक आप जी नूं गुरु चरणां नाल जोड़नगे। बोले सो निहाल। सत्कारयोग साध संग जी तुसी बड़ी गिनती विच बैठे हो, जयकारा बड़ी मठी आवाज विच आया, बुलंद आवाज विच जयकारा दिओ, जयकारा मेरा नहीं है कलगीधर पातशाह दा है। बोले सो निहाल। सत्कारयोग बाबा कश्मीरा सिंह जी कीर्तन दी आरंभता कर रहे ने, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण हर बिंद गुरु नानक परशोत्तम परंपरा वरनाथ युगल चरण मां बंदना धर पर धर कर माथ गुरु नानक ते आदलै दसवें गुर पर्यंत बारंबार है वंदना
साहिब श्री गुरु ग्रंथ डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ मेरे राम हर जन कह हाँ बल जाए मेरे राम हर जन कह हाँ बल जाए राम हर जन कह हाँ बल जाए मेरे राम हर जन कह हाँ बल जाए हाँ बल जाए हाँ बल जाए राम हर जन कह हाँ बल जाए मेरे राम हर जन कह हाँ बल जाए पांगठड़े हर संत तुम्हारे जिनकर तन हर नामा परवान गणी से यह आए सफलत ना के कामा मेरे राम हर जन कह हाँ बल जाए केसा का कर चवर टलावा चरण तोर मुख लाई जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर स्यो लैन मिलाए सच्चा अमर सच्चे पातशाहे सच्चे सेती राते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवा हर जन कै पीसन पीस कमावा नानक की प्रपास बेनंती तेरे जन देखन पावा मेरे राम हर जन कै हाँ बल जाए
मेरे राम हर जन कह हाँ बल जाए हाँ बल जाए बल जाई हाँ बल जाई हाँ बल जाई हाँ बल जाई मेरे राम हर जन कहे हाँ बल जाई मेरे राम हर जन कहे हाँ बल जाए हाँ बल जाए मेरे राम हर जन कै